हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पैशन। तो गांव के इस व्लॉग में रामड़ू जी जो है अभी अभी बैठ के थोड़ा बहुत जो है जोक वोक मार के निकल लिए हैं अभी, और उसके बाद जो डेकोरेशन का कार्यक्रम है वो भी शुरू होने वाला है। तो रामड़ू फिर से आ जाएंगे। एंड अभी गांव के लोग जिसको हम देखते हैं साइकिल चलाना, वरना सिटी में तो ऐसे साइकिल कोई चलाता ही नहीं है। चलाता की बात अलग रखें तो चला ही नहीं पाते हैं, बिकॉज उतना दम नहीं है जो पहले ज़माने में होता था। तो जो दम वाले लोग हैं वो बस गांव में ही बचे हैं। एंड यहाँ पे देखिए डेकोरेशन शुरू हो चुका है। तो हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर ही हम लोग थोड़ा डेकोरेशन कर दे रहे हैं, और साइड में जो यहाँ पे है यहाँ पे खाना वाना अरेंज करेंगे, और जहाँ पे डेकोरेशन हो रहा है उसके सामने थोड़ा चेयर वेयर सीटिंग लगा देंगे। तो आज इतनी मतलब सब लोग बहुत ज़्यादा बिजी है, वहाँ पे पानी भर रहे हैं क्योंकि खाना खाने के बाद हाथ धोने के लिए चाहिए करके। हाय एवरीवन, तो जैसे कि आपने देखा बाहर डेकोरेशन शुरू हो चुका है, चेयर्स वेयर्स आ चुके हैं, वो सब चल रहा है, और शाम को शुरू होगा प्रोग्राम। और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, मौसम ऐसा हो रहा है जैसे बारिश होने वाली है। अपना बर्थडे सेलिब्रेशन ख़त्म हो जाए उसके बाद कितनी भी बरसात हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अभिषेक अभी भी सो ही रहा है यहाँ पर, आए थे यहाँ पर सो रहा था, सो के उठ के अभी बाहर जाके हॉल में सोफे पर सो रहा है वो। तो सुबह से मतलब अभी शाम को प्रोग्राम है इसलिए प्रॉपरली उनको सुलाना ज़रूरी है, वरना शाम को जो है पागलबंदी सवार हो जाती है इनकी। तो भी आज अच्छी तरह सो लिए हैं, तो शाम को इतना मतलब बच्चे अगर नींद पूरी नहीं होती तो इरिटेट हो जाते हैं ना, तो अभी तो इरिटेट नहीं करेंगे होपफुली। एंड आपको अगर डिस्टर्बेंस आ रहा है वो आ रहा है एसी का, उन्होंने सब कुछ अभी निकाल दिया है। एंड मैंने कल शॉपिंग में जाके एक अच्छी खासी ड्रेस खरीदी, लेकिन अभी लग रहा है कि पहनने के बाद गर्मी कितनी लगने वाली है, क्योंकि मौसम जब बारिश वाला होने लग जाता है ना, बिल्कुल एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है और हवा भी नहीं चल रही है, एंड ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ चुकी है। तो खाने का तो अभी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जब से हम यहाँ पर आए हैं तब से घूमी घूमी हो रहा है, तो खाना बनाने वाला इस बार इतना सीन नहीं है। एंड जैसे मैंने बोला था कि शेल्फ्स दोबारा अपनी जो हालत में है वैसे आ जाएगी, वैसे आ चुकी है वो देखो। तो ये तो होना ही था, हाँ, बट अपना काम है जो हमने कर लिया है। जो मैंने सेटअप चेंज किया था वो तो वैसे का वैसे ही, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। एंड अभी थोड़ी देर के बाद मैं भी रेडी होऊंगी, और मैं सोच रही हूँ एक गेट रेडी विथ मी वाला लुक भी शूट कर लूँ। ऑल्दो आई एम गोइंग टू यूज़ सेम प्रोडक्ट विच आई हैव शोन बिफोर, एंड गांव में ज़्यादा मेकअप करेंगे तो अच्छा भी लगेगा। ओनली ये थोड़ा सा प्राइमर लगाओ, थोड़ी सी क्रीम लगाओ, एंड लिपस्टिक लगाओ, काजल लगाओ, बस ख़त्म। हाईलाइटर वाइलाइटर मैं कुछ लेके भी नहीं आई थी। मैं जब रख रही होती हूँ ना, जब मैं गांव आ रही होती हूँ तब मैं देख के रखती हूँ कि किन चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन जब अपनी मम्मी के घर जाती हूँ हैदराबाद जब जाती हूँ तब अच्छे खासा अच्छी तरह सब कुछ रख लेती हूँ। तो यहाँ के लिए तो मैंने रखा नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी लुक क्रिएट होगा आपको दिखा दूँगी, एंड ड्रेस भी जब मैं पहनूँगी उसके साथ ही आप देख लेना। तो डेकोरेशन चालू है थोड़ा बहुत, जैसे जैसे वो इम्प्रूव होता रहता है, मैंने थोड़ा फिनिश होता रहता है, वैसे वैसे थोड़े से ग्लिम्सेस भी अभी आपको देते रहूँगी। एंड बर्थडे बॉय का केक अभी तक आया नहीं है, उसके लिए भी वेट कर रही हूँ, और जब बर्थडे बॉय भी रेडी हो जाएगा उसको भी मैं दिखाऊँगी। चलिए अभी जब प्रोग्राम एक बार शुरू हो जाएगा तब तो बातचीत बिल्कुल नहीं हो पाएगी, शायद लास्ट में हो पाएगी, तो लेट्स सी। सो कीप वॉचिंग एंड एन्जॉयिंग द व्लॉग। सी धीरे धीरे जो है शेप में आ रहा है, जो भी जैसे जैसे डेकोरेशन होता रहता है ना वैसे वैसे लगता है भैया अभी टाइम हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है करके। एंड बाहर इनके बड़े पापा के लड़के, मेरे ससुर जी, ये सब बैठे हुए थे। एंड अभी अंदर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि रेडी होना है और मुझे भी रेडी होना है। तो ये वाला जो गेट रेडी विथ मी लुक है आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे, एंड मेरे वीडियोस नहीं आने का कारण ये था क्योंकि मेरे पास वीडियो रेडी है लेकिन
गांव में रहने की वजह से अपलोड हो ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि नेट ही नहीं है वहाँ पे। बहुत ही जद्दोजहद कोशिश करने के बाद मैं ये वाला वीडियो अपलोड करने कर पाई थी। तो होपफुली इसके बाद तो आपको रोज़ मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि फंक्शन होने के बाद तो हम चले जाएंगे घर अपने। एंड ये वाला लुक एंड ड्रेस मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी और आप लोग को भी काफ़ी अच्छा लगा, आप लोग का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। एंड फोटोग्राफर भैया आ चुके थे इसलिए वो थोड़ी क्लिक्स ले रहे थे, हमारी भी एज अ हस्बैंड वाइफ भी बच्चों की भी बहुत सारी ले चुके थे। एंड हम लोग को अंदर से बाहर आने के लिए बोला था और चलने के लिए बोला था मतलब जब भी फोटोग्राफी चलती है जैसे वो करने के लिए बोलते हैं ना तो थोड़ा अजीब अजीब सा लगता है ना। एंड आदित्य तो फुल बिजी था अपनी शरारत में, उसको आके खड़े होने के लिए बोलने से खड़े ही नहीं होता था। एंड हम तीनों लाइट कलर में हैं आज, आदित्य मैं और ये, लेकिन बर्थडे बॉय जो है डार्क कलर ड्रेस में है ताकि उसकी इम्पोर्टेंस पता लगे इसलिए। तो अभी हम चल के आगे चल लिए। एंड जो भी घर में आके बैठे थे तो हमारे लिए ये सोनी है जो आप जिनके घर पे मैं आपको लेके गई थी। एंड ये थोड़ा दूर से मैं आपको अच्छी तरह डेकोरेशन दिखा रही हूँ, तो वो सब लोग भी आए थे। मेरे मम्मी पापा को मैंने लास्ट मोमेंट तक मतलब बताना हो ही नहीं पाया क्योंकि हमारा ही कुछ कंफर्म नहीं था कि हम लोग कहाँ बनाएंगे करके। एंड इस चक्कर में मैंने लेट से बताया, और एक और हमारे रिलेटिव्स में किसी की शादी थी तो मम्मी पापा ने उधर के लिए रिजर्वेशन करा था तो वो लोग वहाँ पे जाएंगे करके, फिर वो यहाँ पे नहीं आ पाए। एंड ये रहा केक जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था नज़दीक से तो, और भी, और जो स्टार्स दिख रहे हैं उस पर अभिषेक का नाम लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे देखिए ये चेयर्स वेयर सभी लगा रहे हैं जो डिनर के लिए होगी। एंड ये यहाँ पे एंट्रेंस में ही है ताकि सबको अटेंड कर पाएँ। एंड जो कैमरा वाले भैया हैं उनकी पूरी फैमिली फ़ोटोग्राफी करती है, उनकी वाइफ भी बड़े अच्छे से फ़ोटोज़ खींच रही थी, वीडियोज़ निकाल रही थी। एंड वो लड़का भी उन्हीं का लड़का है मेरे ख्याल से। एंड अभी हम लोग जो है थोड़ा देख रहे थे कौन आया है कौन नहीं आया है, किसको कहाँ बिठा रहे हैं, ऊपर खड़े होकर देख रहे थे। एंड यहाँ पे केक कटिंग शुरू हो चुकी है। तो कोई भी काम शुरू करने से पहले भगवान को याद करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए भगवान को भी हम लोगों ने सब ने याद कर लिया और उसके बाद यहाँ पे केक कटिंग शुरू हो रही है। आदित्य की शैतानी तो चलती ही रह रही थी, उसको कोई मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है, उसको बस अपना काम करना है। वो ये जो जिसमें चमके निकल के ब्लास्ट होते हैं ना वो लेके आ गया कि अभी इसको फोड़ेंगे फोड़ेंगे। मैं बोल केक कट करने के बाद खा लो, सब कुछ होने के बाद ना करेंगे, लेकिन नहीं। फिर मैंने फिर उसको उसके हाथ से लेके फिर बाद में रख दिया था साइड में कि बाद में करेंगे। देखो कितनी बार बुलाना पड़ रहा है आदित्य को, फिर भाग जा रहा है वो। इसी का भी बर्थडे हो घर में, सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट आदित्य को ही होती है। एंड हम लोगों की कट करने के बाद जो भी वहाँ पे गांव में जो भी बच्चे आए हुए थे हम सब लोगों ने उनको स्टेज पे बुलाया था ताकि सब लोग बच्चों के साइड में खड़े होके एक क्लिक भी ले लें और हैप्पी बर्थडे सॉन्ग भी गाएं। तो सारे बच्चे आके जो है बड़ी खुशी से हैप्पी बर्थडे का गाना वाना गाया एंड केक वेक थोड़ा थोड़ा खा के फिर नीचे उतर गए। कितना क्यूटली वो सामने वो जो लड़का है कितने क्यूटली स्माइल दे रहा है, जैसे ही फोटो खींच रहे हैं तो स्माइल ही दे रहा है वो।
और यहाँ पे देखिए खाना शुरू हो चुका है। तो हमने पूरे गांव को यहाँ पे इनवाइट किया था। कभी कभी मौका मिलता है कि पूरे गांव को हम लोग इनवाइट कर पाए, है ना, वरना सिटीज़ में तो सेलेक्टेड लोग होते हैं जिनको बुलाते हैं हम लोग। तो आप ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, जहाँ पे थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं आपको दे दूँगी। तो कीप एंजॉयिंग द ब्लॉग एंड सी द कल्चर ऑफ विलेज, हाउ पीपल आर। तो देखते रहिए एंड देखिए यहाँ पे वीडियोग्राफी एंड ये सब तो चल ही रहा है, तो एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पे खाना एक के बाद एक बैच ख़त्म होते जा रहा था, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनको इतनी गर्मी नहीं लगती क्योंकि यहाँ के एटमॉस्फेयर के साथ उनका जो बॉडी है वो सेट हो चुका है। लेकिन हम लोगों से बिल्कुल यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो पाती है। जितना पसीना हमको आ रहा था, बाकी जो बैठे हुए थे उनको बिल्कुल भी कुछ पसीना नहीं आ रहा था। एंड वी वर लाइक कंटिन्यूसली फ्लोइंग फ्लोइंग एंड फ्लोइंग। एंड अभिषेक ने बिल्कुल भी जो है कोई रोना धोना नहीं किया। उसको एक्चुअली सुबह से बहुत अच्छी तरह सोया था एंड उसके बाद फंक्शन के टाइम पे थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा जो है शुरू करने वाला था। उस टाइम तक लोगों ने जो गिफ्ट दिए थे एक आध तो वो खोल के दे दिया। तो उसको कार, तो वो कार का बुरा वाला फ़ैन है एकदम, उसको कार दे दो और कुछ भी नहीं चाहिए। तो कार उसको खोल के दे दी, तो वो पूरे टाइम उससे खेलते ही रहा वो, और उसने फिर कोई हल्ला वल्ला नहीं मचाया। और जितने लोग आए फ़ोटो खिंचाने के लिए उसको बार बार लेके जाते थे स्टेज पे, और वो आराम से जाके खड़ा हो जाता था। एंड इज़ अ वेरी गुड बॉय। तो वो सब चल रहा था एंड यहाँ पे लेडीज़ लोग भी बीच में खा के चले गए थे। एंड मैंने मेरी जो बुआ का लड़का है उसको मेरा कैमरा पकड़ा दिया था, ले भाई आज तू ही फोटोग्राफर है, खींच जो है जहाँ जहाँ पर लगता है इधर, वो पूरा कवर करते रहे फुटेज को। तो बोला ये देखो रामड़ू जी यहाँ पे बैठे हैं। एंड ये रहे पकवान। तो पकवान में यहाँ पे है मटन करी, चिकन फ्राई, पलाव राइस, सांभर, ये डबल का मीठा, दिस इज़ दही चटनी बोलते हैं ना, जो दही में प्याज वह डालते हैं वो, एंड पूरा जो भी सामान था यहाँ पे था। तो एक बार जितना भी हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन, हम लोगों ने सोचा था 100 लोग तक ही एक्सपेक्टेशन के हिसाब से किया था, उसके हिसाब से 130 लोगों का खाना कैटरिंग के लिए दिया था, लेकिन फिर भी कम पड़ा तो दोबारा भी लेके आए थे। तो खाना क्या बोलते हैं, कभी बचना नहीं चाहिए बोलते हैं, बेशक ख़त्म हो जाए दोबारा ऑर्डर करने से अच्छा है, लेकिन बचना नहीं चाहिए। तो इस हिसाब से फंक्शन तो बहुत अच्छी तरह कंडक्ट हो रहा था। एंड ये रहा केक, क्योंकि केक को भी उस टाइम पे पहले अगर स्नैक्स में देते उसके बाद खाना नहीं खा पाते, इसलिए यहाँ पे तो खाने के साथ जो स्वीट डालते जैसे डबल का मीठा, उसी के साथ साथ केक भी दे देते हैं। सब लोग कितने आराम से बैठे हैं, लेकिन जब भी मेरे ऊपर कैमरा पड़ेगा आप यही देखेंगे कि मैं पहुंच रही हूँ। और ड्रेस भी काफ़ी मेरी क्या बोलते हैं, फुल फ्लेज कवर्ड थी, तो और भी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। बट कांट हेल्प इट, अभी फंक्शंस में हम लोग अगर एक्सपेक्ट करेंगे कि नॉर्मल सा पहन ले तो वो जचेगा नहीं या सूट नहीं होगा, तो थोड़ा सा कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है बोलते हैं ना, तो उस हिसाब से ये देखो अभिषेक बिजी है, खेल रहा है। आदित्य देखो एंटरटेन करता ही रहता है, वो ऊपर कागज डाल के डांस करे जा रहा है।
तो यहाँ पे फंक्शन ख़त्म एंड दिस इज़ नेक्स्ट मॉर्निंग। तो जो भी सामान था इसको समेटना था, तो यहाँ पे धीरे धीरे जो है एक एक चीज़ें धीरे धीरे क्लोज होती रही एंड रामडू जो है फिर से सुबह सुबह आ चुके हैं पूरा वाइंड अप करने के लिए। तो बलून्स पूरे जो है उड़ उड़ के यहाँ पे जो खाली स्पेस है वहाँ पे बाद में उड़ने लगे थे, तो और भी अच्छे से दिख रहे थे। तब ऐसा लगा कि बहुत सारे बलून को फुग्गों को फुला के ऐसे छोड़ते तो भी अच्छा रहता। और क्लाइमेट तो पूरे टाइम हमको डराता ही रहा कि अब आएगी बारिश तब आएगी, क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ गई थी, ह्यूमिडिटी इतनी बढ़ रही थी, बादल पूरे काले हो गए थे। एंड लकीली चीज़ ये थी कि बाकी के साइड वाले गांव में बर्थडे के टाइम पे सेलिब्रेशन के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, ओनली यहाँ पे ही थी। तो थैंक्स टू गॉड, मतलब ध्यान रख लिया उस चीज़ का, वरना फ्लॉप हो जाता पूरा प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो भी सामान था, जो भी डेकोरेशन का था, वो सब उन्होंने फिर से उखाड़ के जो है अपनी अपनी जगह पे लेके चले गए। तो अभी जितनी शांत दिख रहा है, कल इसी टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी मची हुई थी। तो है ना, फंक्शन करने में कितना अरेंजमेंट करता है, मतलब बनाने में कितना टाइम लगता है, लेकिन क्लोज़ करने में बिल्कुल भी नहीं है ना। तो वैसे ही पॉजिटिविटी फैलने में बहुत टाइम लगता है, नेगेटिविटी को कम टाइम लगता है, लेकिन पॉजिटिविटी का रिज़ल्ट पॉजिटिव ही रहता है, राइट। तो आई होप आज का ये बर्थडे आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए एंड मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।